अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन अहमद आपके साथ। आज हम बनाएंगे फोम कवर। फोम कवर किस तरीके से बनता है और फिर कपड़ा कितना लगता है, आज हम बनाएंगे ऐसा फोम कवर आपके लिए। तो इसमें ये पाइपिंग यानी गोला किस तरीके से लगता है, ये जिप किस तरीके से लगता है और इसका तरीक़ेकार क्या है, तो आपके सामने सब कुछ करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम शुरुआत करेंगे फोम कवर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें इसकी नाप की ज़रूरत होती है कि ये किस नाप से बनाया जाएगा ये फोम कवर। तो हमारे पास ये लंबाई है, हमारे पास जो फोम कवर बनता है अभी बनेगा तो इसकी लंबाई है 200 सेंटीमीटर, यानी हम सेंटीमीटर में काम करेंगे, यानी मतलब ये 6.5 फुट बनता है, तकरीबन 200 सेंटीमीटर है। और इसकी चौड़ाई है ये 108 सेंटीमीटर है। ये मतलब सेंटीमीटर से मुराद है कि अभी इधर ये जो इंच टेप है ना, तो ये नीचे जो नज़र आ रहा है आपको, ये 1, 2, 3 ये छोटे छोटे ये सेंटीमीटर है, और जो ऊपर है ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा करके ये इंचेस है। तो मैं अक्सर सेंटीमीटर में काम करता हूँ क्योंकि सेंटीमीटर का गलती बहुत थोड़ा सा आता है। 200 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई 108 सेंटीमीटर है और फोम की मोटाई, यानी मतलब फोम कितना मोटा है, ये 10 सेंटीमीटर है, यानी 4 इंच। अच्छा, इसमें हमें ये कपड़ा है, मैंने लिया काटन का कपड़ा, और इसमें ये 5 नंबर का जो जिप है इसका इस्तेमाल होगा जिप। अच्छा, जिप में ये इसका कुंड, ये कुंडी किस तरीके से डाला जाता है, अक्सर किसी का फोम कवर का जिप ख़राब हो जाता है तो वो भी वापस टेलर के पास लेकर जाता है कि ये ख़राब हो गया है। तो ये बहुत इजी तरीका है, सबसे पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ। ये मैंने कुंडी लिया एक, ये जगह है ना, ये वाला साइड मैंने छोटा काटा, ये वाला बड़ा है, लेकिन इसको थोड़ा सा क्रॉस में काटा ये वाला। तो अभी ये इसमें डालेंगे, डालने का तरीका आपको बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाला इसमें और ये बिल्कुल इसके बराबर, देखो ना, इसके बराबर पकड़ो और ये भी इसमें डालो और ये ऐसा खींचो। बस ये जिप में कुंडी डालने का तरीका, सबसे पहले तो ये हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम कपड़ा लेंगे ना, तो ये जो कपड़ा मैंने लिया ये डबल अर्स का है, इसकी चौड़ाई है 120 सेंटीमीटर और मुझे चाहिए 108 सेंटीमीटर मुझे तैयार चाहिए। तो इसके साथ मुझे सिलाई के लिए चारों तरफ 1-1 इंच का ज़रूरत है, मतलब 2 सेंटी हम लेंगे। तो मुझे चाहिए ये 108 सेंटीमीटर है ना, तो ये 109-110 मुझे 2 सेंटी ज़्यादा लेना पड़ेगा एक तरफ से और 2 सेंटी दूसरी तरफ से, तो मुझे 4 सेंटी कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो अभी हम बिस्मिल्लाह करेंगे। ये मेरे पास इंच टेप है और हम इधर से नाप लेंगे ये कपड़ा। ये मेरे पास आ गया, ये देखो 102 सेंटीमीटर में लूँगा क्योंकि मुझे 200 है ना, तो मुझे 2-2 सेंटी एक साइड पे 2 सेंटी दूसरी साइड पे 2 सेंटी ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो मुझे 204 सेंटी टोटल लेना पड़ेगा ना। तो मुझे 102 इधर से मैंने लिया 102, इसको डबल करूँगा तो ये ऑलरेडी 104 हो जाएगा, ये बिल्कुल फिक्स 204 सेंटी का कपड़ा बराबर हो गया। अभी इससे साइड पे जब कटिंग करेंगे। अच्छा, तो ये कपड़े को पहले सही तरीके से बिछाइए, मुझे जितना चाहिए ना
जितना चौड़ाई चाहिए उतना मैं लूँगा इससे। अभी ये बॉल पेन लूँगा, मुझे चाहिए चौड़ाई में 108। तैयार चाहिए और 4 सेंटी में इसके साथ इजाफा लूँगा तो 112 सेंटी टोटल आ रहे हैं मेरे पास 112 सेंटीमीटर। फिर कपड़े पे निशान लगाएंगे और काट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये कपड़ा मैंने काटा, ये 204 सेंटी मैंने लंबाई में काटा और 112 सेंटी मैंने चौड़ाई में काटा। मतलब 112 इसलिए काटा कि मुझे 108 चाहिए, तो 4 सेंटी सिलाई के लिए और 204 भी इसलिए काटा लंबाई में कि 2-2 सेंटी वो सिलाई के लिए मैंने लिया। अभी मैं इसमें ये पाइपिंग लगाएंगे तो पाइपिंग को कपड़े में बंद करेंगे ऐसा। फिर इसके लिए भी अभी जो साइड में मैंने लिया था ना, मैंने ये जो इधर मोटाई लिखा हुआ है 10 सेंटी, तो ये हम 10 सेंटी तैयार लेंगे और ये पाइपिंग जितना कपड़े में बनेगा तो इसके हिसाब से हम ज़्यादा लेंगे। अभी इसके लिए कपड़ा काटेंगे। इस कपड़े को डबल रखा है, अभी मैं ये लूँगा, मुझे 10 सेंटी तैयार चाहिए ना, तो मुझे कम से कम ये लेना पड़ेगा क्योंकि जो पाइपिंग के लिए हम कपड़ा लेते हैं तो इसके लिए हम अक्सर कपड़ा लेते हैं 7 सेंटी। तो 7 सेंटी और 7 सेंटी कितना हो गया, 14 हो गया। अच्छा तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं और सिलाई का काम शुरू करते हैं। तो ये मैंने ज़िप लिया है, सबसे पहले ज़िप लगाएंगे कपड़े में। ये कपड़ा लेंगे, इसको अंदर की तरफ आधा इंच मोड़ेंगे और इस पर पैर का सिलाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से पूरे कपड़े में हम ये ज़िप लगा देंगे। अच्छा तो ये एक साइड का सिलाई हो गया, पैर का सिलाई। अभी हम दूसरी तरफ भी सिलाई करेंगे, इधर भी पैर का सिलाई करेंगे। अच्छा ज़िप तो अल्हम्दुलिल्लाह लग गया। ये जो मैंने आपको फोम की मोटाई की बात की थी ना, तो फोम की मोटाई हमारे पास है 4 इंच 10 सेंटी। इसके लिए मैंने लिया है कपड़ा 7.5 इंच और ये कपड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है तो ये भी इसके बराबर करेंगे। अभी इधर निशान लगा देंगे, 4.25 सेंटर में रख देंगे तो ये हमारे पास 7.5 आ जाएगा ऑलरेडी। ये 7.5 इंच, 4.25 और इधर 7.5 भी निशान लगा दूंगा। निशान लगाया, अभी काट देंगे इसको। तो ये कपड़ा हमारे पास आ गया 7.5 इंच। अभी इसको ऐसा आगे काटते जाएंगे, इसको बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे ज़िप को और हमको 7.5 इंच ये कपड़ा चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरा कपड़ा काटेंगे। अच्छा अभी ये वाला कपड़ा इसके ऊपर रखेंगे, ये इसके बराबर में सिलाई करेंगे। के साथ एक और पीस भी जोड़ देंगे ताकि हमारे पास एक लंबा पीस बन जाए। तो फिर हम फोम कवर के चारों तरफ ये वाला पीस लगा देंगे। अभी हम इधर पाइपिंग लगा देंगे। वैसे तो मैंने आपको
पिछले कई वीडियो में पाइपिंग लगाने का तरीका बताया था, लेकिन ये तरीका ज़रा हटकर है। तो ये आपको अभी बता रहा हूँ, ये मैंने लिया कपड़ा जो मैंने ज़्यादा लिया था ना, इसलिए मुझे ये जो मोटाई के लिए कपड़ा चाहिए तो 4 इंच चाहिए। मैंने ये 7.5 इंच क्यों लिया था अभी आप देखेंगे, कि ये मैंने इसलिए ज़्यादा लिया था कि इसी कपड़े में पाइपिंग बनेगा। दूसरे वीडियो में जो मैंने पाइपिंग बनाया था ना, तो उसके लिए मैंने अलग से कपड़ा लिया था, ये एक ही कपड़े में पाइपिंग बनता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिया था, ये ऐसा रखा। अभी हमको 4 इंच जो चाहिए ना कपड़ा मोटाई के लिए, तो इधर से हम ये जेब का सेंटर हमारा सेंटर होगा, तो इधर से और ये जो पाइपिंग के साथ इधर हमको 4 इंच चाहिए, तो ये एक साइड मैंने 2 इंच लिया। ज़रा गौर से देखिए इसको कि एक साइड में 2 इंच लूँगा, 2 इंच ये साइड होगा, 2 इंच वो साइड होगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 इंच कपड़ा आ जाएगा मेरे पास। तो ये फोम की मोटाई के लिए लगेगा ये कपड़ा मोटाई। तो इधर मैंने निशान लगाया, अभी ये दूसरा वाला साइड पे ये पाइपिंग लिया, ये मुझे इधर चाहिए अंदर वाली साइड पे, तो मैं थोड़ा सा छोड़ के इधर अभी ये पाइपिंग अंदर की तरफ लिया और ये देखो 2 इंच। हाँ अभी हाँ मशीन चला लो, मशीन चलाओ, बिस्मिल्लाह। ये इसी तरीके से मैं पूरे कपड़े में ये पाइपिंग लगा दूंगा और इधर साथ साथ मैं इंच टेप से नापूंगा कि मेरे पास 4 इंच आ रहे हैं, 4 इंच से ज़्यादा आ रहे हैं, तो मुझे फिक्स 4 इंच चाहिए। अभी ये कपड़ा जो है ना नज़र आ रहा है ना आपको, ये जो सेंटर का निशान है ये वाला, ये मुझे ये सेंटर का कपड़ा ये 4 इंच चाहिए। अच्छा तो ये बात याद रखनी चाहिए कि ये पाइपिंग सिंगल पैर से लगती है, ये देखो ना इधर से 4 इंच मैं सिलाई करता हूँ, सिंगल पैर लगाइए और सिंगल पैर से ये पाइपिंग लगाइए, ये हमेशा सिंगल पैर से लगती है। अच्छा जी तो ये दोनों साइडों में पाइपिंग अल्हम्दुलिल्लाह लग गया, ये मुझे कपड़ा मिला। अभी इस कपड़े पे लगाने का तरीका आपको बताऊंगा, इसको ऐसा डबल कर दूंगा और इसका सेंटर मालूम कर दूंगा। जो मेरे पास चौड़ाई वाला साइड है ना, ये चौड़ाई वाला साइड है, लंबाई वाला नहीं, चौड़ाई वाले साइड पे मैंने इधर एक कट का निशान लगा दिया। अभी इसको ऐसा बिल्कुल रख देंगे सीधा करके, ये सीधा करके रखा मैंने इधर। अभी ये जो मेरे पास पाइपिंग लगा हुआ है, इधर भी मैं एक सेंटर निशान लगा दूंगा, जितना ये जेब है ना इसको भी मैंने इधर ये हाथ की मदद से, और अगर हो सके तो छोटा सा बॉल पेन का निशान भी लगा दो। ये मेरे पास सेंटर आ गया, बस ये सेंटर आ गया। अभी ये सेंटर इस सेंटर के सामने रख दूंगा मैं, मेरे पास ये सेंटर है ना ये वाला, मेरे पास ये सेंटर है, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर दूं ताकि आपको नज़र आ जाए आराम से। अच्छा ये कपड़ा इधर रखा, ये भी आपकी आसानी के लिए इधर भी एक बॉल पेन का निशान लगा दूंगा, और ये भी इधर है। अभी मैं इधर से ये ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये पाइपिंग लगाने का तरीका ज़रा मुख्तलिफ है, तो ये ज़रा गौर से देखिएगा प्लीज़, ये नज़दीक करता हूँ। ये इधर से हम लेंगे 1 इंच का दबाव लेंगे, 1 इंच हम ये 1 इंच इधर ये पाइपिंग इसके ऊपर रखेंगे 1-1 इंच और सिलाई करते जाएंगे। एक मिनट आपके सामने ये देखो, अभी चलो 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 दिल तो बताओ शौक है मज़ा चिदल तो दा ये 1 इंच कपड़ा गिरी गिर गया दे दा।
दा बस दी नम गिर चापियर दा से ओ लगो खा दा टोल फोम कवर न बस दा गिर चापियर दो लगो खुदा यो दगा पकिता सु उवी ने ये एक कोना आप देख ले तम निशान लगो मजो ओ यो ही दल तम दा से जमगा गोट राजी दे देखे यानी कोना जम दल तराजी देखे जरा से मशीन बहुत रोमा शाबाश दल तो जरूर सीधे निशान सरा मैं मशीन उधर लो उस में दल तो दा दा से कारी का ना दा बजरा तो कम दा से लास्ट सरा मेरा तो कर लो और दा से टैप में उन्हीं बोलो और जब अभी गिंदू हम लास्ट सरा में हाथ की मदद से इसको मोड़ दो और सलाई कर दो और अभी एक इंच दबाव रख के पूरा चारों तरफ सिलाई करना है। लेंगे इधर इसको पहले जोड़ लगा देंगे, इधर एक सिलाई देंगे, इधर एक सिलाई देंगे भी। इधर एक सिलाई दे रहे हैं, अभी ये हम इधर एक मिनट इधर रखेंगे, नापेंगे भी कि ये छोटा बड़ा तो नहीं है। तो ये जब इधर ऐसा मोड़ देंगे तो ये बिल्कुल ये सा जब मोड़ेगा ना तो बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। आपको इधर ज़रा ख्याल रखना चाहिए कि ये कपड़ा और ये कपड़ा बिल्कुल एक जैसा आना चाहिए। अभी हम इसके इस साथ इधर सिलाई कर देंगे। अच्छा जी, अभी इसको बंद कर देंगे लास्ट में। और ये जो फोम है ना तो ये इसके बराबर काटेंगे, ये जो जोड़ आया है ना इसकी बिल्कुल बराबर में। तो ये इधर जोड़ के साथ बिल्कुल ये कट गया, ये भी कट गया। अभी ये इसके सामने रख देंगे। सिलाई देंगे इधर। तो ये एक साइड सिलाई हो गया, अभी ये जो है ना ये देख लो, ये भी ये जो जोड़ आया हुआ है ना मैंने इधर जोड़ लगाया है ये इसके सामने बिल्कुल बिल्कुल इसके बराबर में काट देंगे। अभी ये वाला फोम जो है ये भी बिल्कुल इसके बराबर में काटेंगे। तो ये दोनों एक सामने एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। इधर भी ऐसा लाई आएगा। अच्छा, तो अभी दूसरा साइड इसके साथ जोड़ेंगे। तो इसकी चौड़ाई की साइड में मैंने इधर कट का निशान ले दिया। अभी इधर भी मेरे पास पहले से निशान दिया हुआ है सेंटर में, किधर गया ये वाला सेंटर का निशान है, इधर भी है। तो ये ऐसा करेंगे कि ये बिल्कुल इसके सामने रख देंगे, एक इंच दबाव रखेंगे अंदर और ये भी उसी तरीके वाला सिलाई करेंगे। चलिए, और ये इसके चारों तरफ हम ऐसा सिलाई देंगे तो ये हमारा फोम कवर तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ऐसे ज़बरदस्त फोम कवर अपने लिए बनाइए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और
हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक फोम कवर तैयार हो गया है। अभी ये आपके सामने हम फोम को पहनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि ये फोम कवर कैसा बना। तो चलिए उधर चलते हैं, वो दोस्त के घर जहाँ से ये ऑर्डर लिया है, तो उधर जाएंगे और उधर पहनाएंगे ये कवर फोम को और आपको दिखाएंगे कि हमारा फोम कवर कैसे बना है। अच्छा जी, ये फोम कवर है जो हमने आपके सामने बनाया था। बिस्मिल्लाह करेंगे, इसमें मैंने दो कुंडी लगाए हैं। किसी वक्त अगर ये फोम को कवर पहनाते हुए कभी कभी ये एक कुंडी टूट जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें दो कुंडी लगाया है, एक एक्स्ट्रा है एक एहतियात के तौर पर और एक इसका अपना यूज़ के लिए। तो बिस्मिल्लाह करेंगे और फोम को कवर पहनाने के लिए आपको फोम को थोड़ा ऐसा मोड़ना पड़ेगा। जब आप फोम को मोड़ेंगे ना तो अच्छी तरीके से और इजी बिल्कुल इसको पहनाया जा सकता है। अच्छा, ये ज़रा ये कोना इसमें दिखाइए कि सबसे पहले ये एक कोना बनाएंगे ना, ये बिल्कुल इसको इधर लाके छोड़ देंगे। अभी दूसरा वाला साइड भी इस तरीके से इसको आगे तक खींचेंगे। ये फोम कवर हमने पहना है इसको, फिर इसका जो ये पाइपिंग है ना, ये इस कोने पर लेकर आना है। इसकी असली खूबसूरती यही है कि इसका ये पाइपिंग बिल्कुल ये कोने पर आ जाए, तो आराम आराम से इसको इधर लेकर आइए, फिर हाथ की मदद से तो लीजिए ये फोम कवर आपके सामने तैयार हो गया। तो अपने लिए ऐसा खूबसूरत सी कवर बनाइए, ईद आने वाला है तो मेहमानों के लिए ऐसी खूबसूरत सी कवर बनाइए और मेहमानों से दाद वसूल कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।